I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So in this video, we are going to discuss a previously asked question. This question was asked in March 2022 and the question was, what is the attachment of property, the concept of attachment of property as per HP Protection of Interests of Depositor Act 1999? Himachal Pradesh डिपॉजिटर एक्ट है, एक इसको बोलते हैं एचपी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999, उसके अनुसार अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में 10 मार्क का क्वेश्चन हमें लिखने को आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज हिमाचल प्रदेश, एज यू कैन सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999, ये वो एक्ट है। तो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा कि डिपॉजिटर का मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में पैसा लगाया, कोई नया बैंक आया, आपको लगा कि उसने मुझे इतना पैसा, आपने 10 लाख रुपए लगा दिया और कुछ समय बाद पता चला कि वो बैंक किसी भी कारण से मार्केट क्रैश हुई, शेयर मार्केट क्रैश हुई और बैंक डूब गया, तो क्या आपका पैसा जो आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, क्या कोई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पैसा वापस देगी? क्योंकि आपने तो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली उस बैंक में पैसा लगाने के लिए, आपको लगा कि वो प्राइवेट बैंक था, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक की बात हो रही है, तो आपने पैसा लगा दिया। लेकिन बिल्कुल ऐसे प्रावधान भारतीय सरकार द्वारा और विभिन्न राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं कि आपका जो डिपॉजिटर्स है उसका पैसा सुरक्षित किया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस एक्ट को अपनाया, इंप्लीमेंट किया और ये आज भी एप्लीकेबल है। तो इस एक्ट के अनुसार चैप्टर 1 में डेफिनेशंस आती है, चैप्टर 2 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एज यू कैन सी, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हम सबसे पहले डेफिनेशंस भी देखेंगे कि क्या क्या मेन मेन चीज है और नेचुरल सी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज से पहले जनरल डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये जाना जरूरी है। मींस द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट सेक्शन 4, अभी हम देखेंगे सेक्शन 4 क्या है। नेक्स्ट इज दिस इज इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो डिपॉजिट मींस डिपॉजिट ऑफ सम ऑफ मनी मेड विद द फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड फॉर इंटरेस्ट और रिटर्न इन एनी काइंड। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एज यू कैन सी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एन इंडिविजुअल एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और अ फर्म कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट, जो जहां पे आपने डिपॉजिट जमा करवाया है, जो एस्टेब्लिशमेंट के पास आपने दिया, वो बैंक भी हो सकता है, वो स्मॉल स्केल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, दैट इज अंडर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट का मीन क्या होगा यहां पर इस एक्ट के अनुसार, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है। तो मीन्स ऐसा सेम एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा। और ऑथराइज ऑफिसर का मतलब यहां पर मींस एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन गेजेट एंड इट गिवन द पावर अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। नाउ वी विल फोकस अपॉन अटैचमेंट, जिसपे क्वेश्चन आया पेपर में, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर जहां पे जिस कंपनी में जिस बैंक में आपने पैसा लगाया वो बैंक डूब गया, तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डिफॉल्ट ऑफ रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट, आपने पैसा लगाया, आपको रिटर्न नहीं आई, आपको इंटरेस्ट नहीं आया, उसकी कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अपॉन द कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डिपॉजिटर, आप कंप्लेंट करेंगे दैट एनी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट डिफॉल्ट इन रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आफ्टर मेच्योरिटी, आपका मेच्योर पीरियड पूरा हो चुका लेकिन आपको रिटर्न नहीं आया, आपने कंप्लेंट की। नेक्स्ट वन, वेयर द गवर्नमेंट और ऑथराइज ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इज एक्टिंग इन अ कैलकुलेटेड मैनर विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर्स, अगर ऑथराइज ऑफिसर जो हमने ऊपर पढ़ लिया उसको लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में उसकी जो इंटेंशन थी वो डिपॉजिटर को धोखा देने की थी, तो उस केस में एंड इफ द ऑफिसर
सेटिस्फाइड विद सच फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट लाइकली टू रिटर्न द डिपॉजिट. अगर ऑफिसर को लगता है कि फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट रिटर्न का पैसा डिपॉजिटर को देने में सक्षम नहीं है, देन द गवर्नमेंट और द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ सच फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट पास एन एड इन टर्म ऑर्डर अटैचिंग द मनी और अदर प्रॉपर्टी. तो उसकी जितनी भी मनी है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट अपने अंडर ले सकती है, अटैच कर सकती है. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. तो आई होप दिस इज क्लियर. और वो प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट या तो किसी पर्सन के नाम पे होगी और इन द नेम ऑफ पर्सन, तो सारी की सारी गवर्नमेंट को राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है. और एस्टेब्लिशमेंट को भी राइट है अगर वो एस्टेब्लिशमेंट क्लेम करे कि हम इन रिटर्न वापस कर देंगे या जो भी इंटरेस्ट का पैसा वापस कर देंगे, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है. विद ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट करवा के वो अपनी प्रॉपर्टी को डीअटैच भी करवा सकते हैं. तो नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी. द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंटेड अथॉरिटी इज नोन एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टीज अटैच बाय द गवर्नमेंट. So this is the important definition of it. इसी एक्ट के अंदर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है कि क्या क्या पनिशमेंट पेनल्टीज भी हम दे सकते हैं. गवर्नमेंट में इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, as you can see, not withstanding any contained in chapter 2, where any establishment defaults the return of deposit or defaults the payment of interest of deposit, every person responsible for the management of affair of the financial establishment shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 year 10 साल का सजा का प्रावधान भी सरकार ने रखा गया है, and with a fine which may extend up to 1 lakh and such establishment is also liable for fine which may extend up to 1 lakh rupees. तो जेल के साथ-साथ फाइन का प्रावधान भी इस एक्ट में रखा गया है. तो स्पेशल कोर्ट भी है, चैप्टर 4 में बताया गया इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट भी है. फॉर दिस पर्पस स्पेशल एक्ट और द गवर्नमेंट मे विद द कंक्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल कोर्ट इन द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज. एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जा सकता है हाई कोर्ट से परमिशन लेकर, ताकि जितने भी केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक पे हैंडल किया जा सके. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. There are different powers. ये power भी है, लेकिन हमारा जो topic of concern था वो था attachment of property. तो आपको पता चल चुका है कि attachment of property का मतलब क्या है. जब भी कोई financial institution fail हो जाए returns को वापस करने में, या किसी भी तरीके से वो institution share market की वजह से या किसी भी कारण से collapse हो जाए, तो उसकी एवज में उसकी property को government को right है कि वो attach कर सकती है, ताकि जो depositor है उनके interest को सुरक्षित रखा जा सके. तो फिर से एक बार repeat करते हैं, because ये lines आपको paper में लिखनी भी है. The attachment of property on default of return or deposit, whereupon the complaints received from a depositor that any financial establishment defaults in return or deposit after maturity, and where the government or the authorized officer has a reason to believe that any financial establishment is acting in a calculated manner and with an intention to defraud the depositors, and if the government or the authorized officer is satisfied that such financial establishment is not likely to return the deposit, the government or the authorized officer may, in order to protect the interest of depositors of such financial establishment, pass and add in term order attaching the money or the property of that particular financial establishment. So thank you all. This is all about the attachment of property as per Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositor Act 1999.